जय हिंद मेरे दोस्त। आज की क्लास में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। इनकम टैक्स की हमारी क्लास चल रही थी। अभी तक हमने आपके साथ बेसिक चैप्टर डिस्कस किया था। बेसिक हमारा मोटा मोटी ख़त्म हो चुका है। एक दो माइनर से कॉन्सेप्ट उसमें बचते हैं, वो हम आगे आगे जैसे जैसे आप लोगों का एक कॉन्सेप्चुअल लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। आज की क्लास में क्या कुछ खास करने वाले हैं? आज की क्लास में खास ये होगा कि आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब सर, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि किसी भी बंदे की इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, मतलब कि वो बंदा कहाँ रहता है, इस देश में रहता है कहीं बाहर रहता है, उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। अगर मैं उससे पहले मैं देखूं, अगर हमारा अब तक का क्या था कि हमने आपको एक मोटा मोटी गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या टैक्स क्या था, टैक्स कैसे कैसे लेविड होता है ये हमने आपको बता दिया था, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताया था, क्लोज किसको कहते हैं, सब क्लोज, सब सेक्शंस किसको कहते हैं, जो आपस में कोरिलेट नहीं होते उसको क्लोज सब क्लोज कहते हैं और जो आपस में कोरिलेट होते हैं उसको सेक्शन सब सेक्शंस कहते हैं, ये हमने आपको बताया था। उसके बाद प्रोवाइजो बताए थे, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन, कि ये सारी बातें मान के सेक्शन की ये सारी बातें बशर्ते, प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते ये चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी अगर आप इस चीज़ को मानोगे तो। आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना होगा, कोई बात नहीं आप बॉम्बे चले जाइए, लेकिन उसके लिए बशर्ते प्रोवाइडेड दैट आपको सिर्फ ट्रेन से जाना होगा। तो ऐसा ही कुछ इसमें सेक्शंस में लिखा जाता है प्रोवाइडेड। एक्सप्लेनेशंस दी थी कि एक्सप्लेनेशंस क्या होती है, एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशंस होती हैं कि कहीं डाउट आ गया था अब सब सरकार ने उसको क्या किया, क्लैरिफाई कर दिया गया कि जी ये चीज़ इसमें लिखी हुई है ये हम लोग कहना चाहते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट कैसे आता, कौन इंट्रोड्यूस करता, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसको पास करते हैं, प्रेजिडेंट उसको असेंट करता है मतलब साइन करता है, उसके बाद ही कोई फाइनेंस एक्ट बनता, उससे पहले उसको क्या बोलते थे, फाइनेंस बिल बोलते थे। उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स होते थे। सर एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस था, एक्ट में सेक्शन होते थे, इसमें भी सेक्शंस होते हैं रूल्स में भी। एक्ट में मेन मेन बातें लिखी गई लेकिन उनके सबॉर्डिनेट करने के लिए उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, उसको अच्छी तरह पढ़ने के लिए जब भी कभी आप कोई भी चीज़ की कैलकुलेशन करो तो उसके रूल्स, उससे रिलेटेड रूल्स ज़रूर पढ़िएगा। नोटिफिकेशंस क्या थी कि जैसे हमने मैं आपको बताया था कि पूरे साल में एक बार फाइनेंस एक्ट आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि साल में बीच में कोई दिक्कत आ गई। लेट्स से अभी कोविड का टाइम चल रहा था पीछे, तो कोविड में अगर उनको कुछ अमेंडमेंट करनी थी तो फाइनेंस एक्ट तक का वेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने बीच में नोटिफिकेशंस लाके कुछ रेट चेंज कर दिए, कुछ स्लैब चेंज कर दिए, कुछ भी उन्होंने कुछ भी चेंज किया, तो उसके लिए नोटिफिकेशंस लेके आए थे। नोटिफिकेशन का मतलब मेक एंड अमेंड रूल्स बाय इशूइंग नोटिफिकेशंस। सर्कुलर्स का मतलब क्या था कि क्लैरिफाई द डाउट, अगर बाई चांस किसी को डाउट आ गया, कहीं पर कोई भी डाउट आ गया है कि हमने कोई नोटिफिकेशन दी थी, कोई बजट में कोई डाउट आ गया है या फिर फाइनेंस एक्ट में कोई डाउट आ गया, तो सरकार उसको कैसे क्लियर करती है, उस डाउट को सर्कुलर्स के द्वारा क्लियर करती है। उसके बाद केस लॉ बताए थे मैंने आपको, केस लॉ क्या होता, केस लॉ एक कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, IT/AT की भी जजमेंट्स होती हैं, कि कोई भी हाई कोर्ट की जजमेंट उसके सिर्फ उस स्टेट में एप्लीकेबल होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैंने आपको बताया था एक्ट बन जाता है, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होती है। डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बाइंड द अदर हाई कोर्ट, दैट मीन्स एक स्टेट का हाई कोर्ट दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकता है। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी। डेफिनेशंस में इंडिया की डेफिनेशंस हमने अभी तक पढ़ी नहीं है सच। इंडिया की डेफिनेशंस वही है कि इंडिया मीन्स, इंडिया का मतलब क्या, टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में क्या लिखा गया, इंडिया का मतलब है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, सी बेड, सब ऑयल। लेट से मान लीजिए ये इंडिया है, तो ये जो टेरिटोरियल वाटर है, जो इसके रिलेटेड जो भी ये पानी है, और नीचे ज़मीन तक जो सी बेड वगैरह सब ऑयल है, वो सारी कैलकुलेशन कहाँ तक, 12 न्यूटिकल माइल तक, यहाँ पे न्यूटिकल माइल में कैलकुलेशन होती है, तो 12 न्यूटिकल माइल तक इंडिया है। इंडिया सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे है, सिर्फ ये वाला इंडिया नहीं होगा, इंडिया का मतलब यहाँ पे जो समुंदर में 12 न्यूटिकल माइल तक इंडिया है। कंटिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मैरीटाइम जोन के एक्ट के हिसाब से इंडिया की डेफिनेशंस बताई गई थी। SSC की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। SSC किसी को भी कोई नाम देना हो सरकार को, या फिर सरकार जिससे भी रिलेट कर रही है, जिससे भी कागज डॉक्यूमेंट्स पैसे का लेना देना है,
या फिर रिटर्न से रिलेटेड किसी का स्कूटनी में केस आ गया तो उन सबको हम एसएससी बोलते हैं। किसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी, डीम्ड एसएससी का मतलब मैंने आपको बताया था, मानो या ना मानो उसको सरकार एसएससी मान लेगी सरकमस्टांसेस में देख के। असेसमेंट का मतलब बताया था, एक एसएससी होता है, लेट से मेरा अगर केस लगा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो मुझे एसएससी बुलाएंगे और जो मेरी केस चल रहा है उसको हम असेसमेंट बोलते हैं कि असेसमेंट चल रही है मेरी, मेरी कैलकुलेशन चल रही है, मेरी गणना चल रही है। पर्सन की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कोई भी नेचुरल ह्यूमन बींग, जो कोई भी मेल फीमेल, माइनर, अनसाउंड माइंड बताया था, एच एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बताया था, जिसमें एक कर्ता होता है जो पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एच यू एफ को मैनेज करके चलता है। इसके दो लॉ थे, कोई जन्म से होता था कोई जन्म से नहीं होता था, ये हमने आपको बताया था। कंपनी की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, कंपनी की डेफिनेशन में मैंने क्या पढ़ाया था कि कोई भी इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, हमने ये क्यों पढ़ा था क्योंकि दोनों के रेट में डिफरेंस है, 25% और 40% और 30%, ये इनके अलग अलग रेट थे। डोमेस्टिक कंपनी मैंने आपको बताया था, कोई भी इंडियन कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जो पेमेंट और डिक्लेयर करती हो डिविडेंड इन इंडिया। डिविडेंड का मतलब क्या होता था, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो सालाना वो अपने मुनाफे में से कुछ मुनाफा अगर आपने शेयर खरीद रखे, दैट मीन्स आप उस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर हो, उस कंपनी के मालिक हो, तो वो अपने मुनाफे में से कुछ मुनाफा आपको देती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपको डिबेंचर्स पे मिलेगा, या फिर आपने किसी को लोन दे रखा तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो उसको डिविडेंड बोलेंगे। इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी मतलब कोई भी, दो एक्ट पहले 1956 चलता था, लेकिन 2013 में एक नया एक्ट आ गया कंपनीज एक्ट के, तो दोनों कंपनी, दोनों एक्ट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या था, सिंपल जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, मतलब जो इंडिया की कंपनी नहीं है, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, फॉरेन कंपनी। यही पढ़ाया था, कुछ और भी पढ़ाया था जी? आवाज़ रिकॉल हो रहा है धीरे धीरे, घर जाके करते हो रिवाइज नहीं करते हो? चलिए ठीक है, समझ आ रहा है ना। फर्म की डेफिनेशन उसके बाद मैंने आपको बताई थी, फर्म दो तरह की होती है, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का मैंने आपको बताया था, सिंपल जो सैम पेपर पे पार्टनरशिप डीड के जो नोटराइज करवा दी, तो वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है। सर उनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि वो एक दूसरे को शू नहीं कर सकते। अगर बाई चांस कल को कोई माल आपने भारी कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, 1-2 करोड़ का माल खरीद लिया और वो माल ख़राब हो गया और सामने वाले ने लेने से मना कर दिया, तो पार्टनरशिप फर्म उसको कोर्ट में केस नहीं कर सकती। इंक्लूडिंग LLP, LLP मैंने बताया था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन एक फर्म में उसमें अनलिमिटेड होती है। अगर इंडिविजुअली अगर किसी को देखना है तो उसको पार्टनर बुलाएंगे, अगर कलेक्टिवली देखना है तो उसको फर्म बुलाएंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मैंने बताया था, प्रमोशन ऑफ द जॉइंट इंटरप्राइजेज व्हेन दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टनरशिप लीगली, जो पार्टनरशिप लीगली नहीं करते बल्कि वो एक AOP बना के चलते, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसमें एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, दो कंपनी, दो पार्टनरशिप फर्म, एक इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप फर्म, एक HUF, एक कंपनी, ये मिलके भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। कॉमन पर्पज होता था इनका, कॉमन एक्शन होता था, प्रोड्यूस इनकम, इनकम प्रोड्यूस करते थे, जब वो काम खत्म हो जाता था तो इसको डिस्पोज ऑफ कर देते थे, इसको बंद कर देते थे। उसके बाद मैंने आपको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI पढ़ाया था। BOI में क्या होता था कि कोई भी पर्सन जो मेयरली रिसीव द इनकम जॉइंटली एंड मे बी एसेसेबल टू लाइक मैनर, कोई भी बंदे जो जॉइंटली मिल के इनकम अपनी रिसीव करते हैं तो उनको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता था। डिफरेंस क्या था दोनों में, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या बताया था, लोकल अथॉरिटी का मतलब सिंपल जो आपकी म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी है उसको लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, जैसे दिल्ली में MCD है या महाराष्ट्र में बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन BMC है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मैंने बताया था, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या था, जो भी बाकी कुछ रह गया, जितनी भी संस्थाएं, जितनी भी एंटिटी रह गई है, वो बाकी सारी की सारी क्या थी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज रह गई थी, बार काउंसिल, डायटी, मंदिर वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। ये बाकी चीज़ें हम आपकी इसी धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होती, कोई भी इनकम अगर आपकी होगी तो इन्हीं 5 हेड्स में होगी, इनसे बाहर आपकी 5 हेड्स से बाहर इनकम नहीं हो सकती। 5 हेड्स कौन कौन से थे, सैलरी था, हाउस प्रॉपर्टी था, PGBP था, हाँ जी सैलरी था, हाउस प्रॉपर्टी था, PGBP था, कैपिटल गेन था और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। PGBP का क्या मतलब था, प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सैलरीज का मतलब क्या था, जो भी बंदे सैलरी लेते हैं उनका सैलरीज के हेड में उसकी कैलकुलेशन होगी। 15 से 17 क्या था, सेक्शंस नंबर थे।
हाउस प्रॉपर्टी मतलब किसी के एक से अगर ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी तो उसके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सेक्शन 22-27 PGBP 28-44 DB था। कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हमें ये देखना कौन से खर्चे डिसअलाउ होंगे कौन से खर्चे डिसअलाउ नहीं होंगे, बिजनेस में कैसे कैलकुलेशंस होती है क्या होती है, सारे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करता है किस रेट पे चार्ज करता है, कैलकुलेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हमने आपको कहाँ पढ़ाई थी, PGBP में पढ़ाई थी। उसके बाद कैपिटल गेन मैंने आपको बताया था कि सॉरी पढ़ाएंगे PGBP में आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, सिर्फ मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया था। उसके बाद मैंने कैपिटल गेन के बारे में बताया था, कैपिटल गेन का मतलब कोई भी आप प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती, क्यों होती, क्योंकि अगर आप डेली सेल परचेज प्रॉपर्टी का करते हो तो फिर आपका PGBP में काउंट होगा, लेकिन आप कभी कभार बेचते हो तो आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई भी इनकम अदर कोई भी बच गई वो सारी की सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, सर कोई एग्जांपल दो दो, अगर आपने लॉटरी खेली है, अगर आपने हॉर्स रेस जीती है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है सेविंग पे तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम टैक्स रिफंड मिला है, अगर रिफंड मिला है इनकम टैक्स का और उस पर इंटरेस्ट था, तो ये भी सारा क्या जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा। इसके बाद हमने ईयर्स बताए थे आपको कि ईयर्स क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो करंट में हमारा चल रहा होता है, कोई भी कैलेंडर ईयर नहीं होता है। कैलेंडर ईयर का मतलब 1-1 से लेकर 31 दिसंबर तक, जबकि हमारे अकाउंट्स में टैक्सेशन में कैसे चलता है फाइनेंशियल ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। प्रीवियस ईयर का मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, जब मेरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उससे अगले साल जब हम पहुंच जाते हैं और पिछले साल को देखते हैं कि पिछले साल मैंने क्या क्या कमाया, तो पिछला जो हुआ मेरा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे उसकी कैलकुलेशन। असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल में मैं अभी खड़ा हूँ, पिछले साल की इनकम देख रहा हूँ कि इसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है, इनकम टैक्स भरना है, तो उसको जिस साल में मैं कैलकुलेशन करूँगा उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जिस साल में जो भी इनकम होती है उसके उसी साल में टैक्स नहीं होता, अमूमन वो साल ख़त्म होने के बाद उसके टैक्स कैलकुलेशन लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केस थे जहाँ पे हम उसी साल में उसका टैक्स कर देते हैं। मान लीजिए शिपिंग बिजनेस था किसी भी नॉन रेजिडेंट का या पर्सन लिविंग इंडिया, कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है, AOP BOI किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए क्रिएट की गई थी, वो पर्पज़ साल के बीच में ख़त्म हो गया तो उसका उसी टाइम टैक्स कैलकुलेट कर दो। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे टू अवॉइड टैक्स, लगता है कि वो टैक्स को अवॉइड कर देगा, तो एक काम कीजिए उसको अभी इसी साल में टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। अगर किसी का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो डिस्क्रिप्शन ऑफ AO थी कि उसको चाहे तो अभी टैक्स कर सकता है चाहे तो बाद में टैक्स कर सकता है। फिर मैंने आपको लास्ट में स्लैब रेट के बारे में बताया था। स्लैब रेट इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनमें क्या था, पहले 2.5 लाख तक क्या था एग्जेम्प्ट था, वो अगले 2.5 लाख पे 5% था, उसके बाद अगले 5 लाख पे 20% था, और उसके बाद क्या था 30% था। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल HUF के केस में लगती थी, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। उसके बाद कोई सीनियर सिटीजन था, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या था, 60 साल या 60 साल से ऊपर लेकिन 80 साल से नीचे कम, तो उसके लिए पहले 3 लाख तक निल था, उसके बाद अगले 2 लाख पे 5%, और उसके 5 लाख से लेकर अगले 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर सब पे कितना है 30% का टैक्स रेट लगता है। फिर सुपर सीनियर सिटीजन था जो 80 साल या 80 साल से ऊपर था, तो पहले 5 लाख तक क्या था, निल था, उसके अगले 5 लाख तक 20%, और उसके अगले 10 लाख से ऊपर जितना भी रहेगा उस पर कितना हो जाएगा 30%। फर्म LLP के केस में कितना था, लोकल अथॉरिटी के केस में फ्लैट 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने बताया था कि 1-10 हज़ार की जो आपकी इनकम होती है सोसाइटीज़ पे, उस पर 10% का टैक्स लगता है। 10 हज़ार से अगले 20 हज़ार तक आपको कितना परसेंट टैक्स लगता है, 20%, और 20 हज़ार से ऊपर कितना लगता है 30%। याद करने के लिए बहुत ईजी था कि सोसाइटीज़ का टैक्स रेट क्या है, कि 10-10, पहले 10 हज़ार तक 10%, 10-10, अगले 20 हज़ार तक 20-20, और 20 हज़ार से ऊपर सब पे 30%। कंपनी का मैंने आपको बताया था कि कंपनी के केस में अगर उसका प्रीवियस ईयर 18-19, ये लास्ट के लिए था, अगर प्रीवियस ईयर 19-20 की
हम इस साल की अगर मैं बात करूँ 21-22 की, अगर मैं प्रीवियस ईयर 21-22 की बात करूँ, तो हमें कौन से साल की टर्नओवर चेक करनी है? 1920 की। एक साल जो साल में कैलकुलेट करूंगा उससे एक साल पीछे का छोड़ दो, उससे पिछला साल में चेक करूंगा। उस अगर उसमें टर्नओवर उसकी इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन 400 करोड़ है, तो उस पर टैक्स रेट कितना लग जाएगा? 25%। और अगर 400 करोड़ से ऊपर है, अगर 400 करोड़ भी किसी का टर्नओवर है, तो कितना लगेगा? 25%। अगर 400 करोड़ से ऊपर है तो 30% लग जाएगा। फॉरेन कंपनी मतलब जो कंपनी डोमेस्टिक नहीं है, उस पर कितना लग जाएगा? 40%। ये मैंने आपको बता ही दिया था। एक मैंने बताया था एक सर्कुलर की, किसी का बर्थडे अगर 31 मार्च को भी आ रहा है, लेट से मान लीजिए उसका जन्मदिन होता 1 अप्रैल 2022 को, वो 61 ईयर का होता या 81 ईयर का होता, तो सरकार ये कहती कोई बात नहीं, हम 31 मार्च को ही उसको 61 ईयर का या वो मान लेंगे, ताकि स्लैब का बेनिफिट उसको मिल जाए। सरचार्ज हमने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया सरचार्ज के बारे में। एक मैंने रिबेट अंडर सेक्शन 87A बताई थी, जो कि एक बहुत बड़ा लूप होल था, कि जो 12,500 तक हमें छूट करा देती थी, कि 12,500 तक आपको टैक्स कोई भी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस था, जो कि 4% लगता था। किस पे लगेगा? टैक्स पे। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। इनकम पे जो लगा उसको टैक्स बोलते हैं, और जो टैक्स पे लगा उसको सेस बोलते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 2%, 4% का, सॉरी 4% का इस पे लगता है, रिबेट उसके बाद माइनस होती है, 87A वाली रिबेट उसके बाद माइनस होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे, लास्ट क्लास में हमने आपको प्रैक्टिस करवा दिए थे। अगर फिर भी किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का डाउट है? चलिए कोई बात नहीं। अभी एक बच्चे का मुझे फ़ोन आया था, उसका एक डाउट आया था कि सर आप एक एग्ज़ाम्पल दे रहे थे फर्स्ट क्लास में ही, कि हमें टैक्स भरने की ज़रूरत क्यों ही पड़े। मैं 1 मिनट लूँगा, उसके बच्चे का डाउट क्लियर कर देता हूँ। बच्चा कहता है कि सर सरकार ही इतने पैसे छाप क्यों नहीं देती। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आपने शायद उस दिन सुना नहीं होगा ध्यान से, इसलिए आपका डाउट आया कि बच्चे का डाउट क्या है। बच्चा कहता है कि सर सरकार एक बात बताइए, इतने नोट छाप दे, हमसे टैक्स लेने की जरूरत ही ना पड़े। अगर सरकार ने इतने नोट छाप दिए तो देखिए हमारे देश की हालत कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी हमारे देश की हालत जैसी रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे की। हमारे नोट 20 बिलियन डॉलर इतने में छपने लगेंगे, और देखिए अभी इससे बुरी हालत क्या होगी, ये होगा सर। एक हमें जो ब्रेड का पैकेट है वो हमें इतने में मिलेगा। ये स्पेशल इमेजेस मैंने आपके लिए डाउनलोड करके लाया हूँ। अब एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए इस बंदे को इतने पैसे देने पड़ते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर सरकार ने इतने नोट छाप दिए कि आपके पास घर पे नोट ही नोट पड़े हैं, नोट ही नोट पड़े हैं, फिर तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। 1 मिनट के लिए मान लो कि जो वाटर है, पानी है, या फिर जो पत्थर है, ईंटें बनती हैं, वो एज ए करेंसी चलती है, तो सबके पास इतना भरपूर मात्रा में पड़ा होगा पानी, कहीं से भी खोदो निकालो वो कर दो, उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी ना। तो यही चीज़ करेंसी के साथ, अगर सरकार ने इतने नोट छाप दिए, इतने नोट, फिर चलाओगे कहाँ, चला नहीं पाओगे ना उस चीज़ को। सबके पास नोट है, कोई काम ही क्यों करेगा, किसी को करने की जरूरत नहीं है, इतने नोट छाप दो। यही हाल जिम्बाब्वे का हो रहा है। अब इतने नोट बे करने के बाद इसको बेचारे को एक ब्रेड का टुकड़ा मिल रहा है। अब ये देखिए, 3x वर्थ, 3x वर्थ द 100 बिलियन डॉलर जिम्बाब्वे नोट बिलो वॉज सेट टू हैव बॉट 3x। 3 अंडे के बदले में 100 बिलियन डॉलर उसको पे करने पड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ये उनकी करेंसी की वैल्यू, उनकी करेंसी एकदम लो, एकदम लो। अगर सरकार ने इतने नोट छाप दिए और आप लोगों से टैक्स चार्ज नहीं किया, तो ये हालत इंडिया की भी हो सकती है। ठीक है,
तो इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जिम्बाब्वे कोई ऐसी कंट्री भी है जहाँ की करेंसी इतनी कम है, उसकी वैल्यू इतनी कम है कि लोगों को गाड़ी भर के नोट लेके जाना पड़ता है अगर कुछ सामान खरीदना पड़ता है तो मार्केट। ये देखो, एक ब्रेड के लिए उसको इतने नोट पे करने पड़ते हैं, और 3 अंडों के लिए उसको इतने नोट पे करने पड़ते हैं, 100 बिलियन डॉलर का एक नोट पे करना पड़ता। अगर उसके पास छुट्टे में होते तो सोचिए कैसे लेके जाता हूँ, समझो। इसीलिए भारत सरकार ये सर, नहीं छापती। मेरा क्वेश्चन आ गया हाँ कि जी, जो भी जिम्बाब्वे कंट्री है उसने तो नोट तो छाप दिया, इतना बड़ा थोड़ी हो सकते घरों जाके, अब गवर्नर बाटा नहीं होगा मतलब। अगर छाप के दिया, प्रिंट भी कर दिया, तो पैसे तो अल्टीमेट गवर्नमेंट के पास ही है ना। अब बात समझिए, मैं उसको अगर काम इतनी करूँगा चीज़ें तभी तो मैं सब इंपोर्ट ले करनी लूँगा। पड़ेंगी, इतनी चीज़ें इंपोर्ट भी करनी होती है जब उसकी करेंसी की वैल्यू ही कम है। अब हमारे जो इंडियन है, $1 इज इक्वल टू, लेट्स से मान लीजिए अभी ₹77 मान लेते हैं। अब हमें एक अगर कुछ भी खरीदना है बाहर से, क्योंकि वो तो इंडियन रुपीज़ को मानेंगे नहीं, रुपीज़ तो लेंगे नहीं हमसे, या रुपीज़ लेंगे तो वो हमसे जो खरीदेंगे, हम उसको लेट से गेहूँ बेचेंगे तो एक्सचेंज करेंगे, चलो मान लीजिए रुपीज़ लेते हैं, डॉलर लेते हैं। अब उनका $1 हमारे ₹77 के बराबर है। अगर मैं यहाँ $1 रखूँ तो मुझे 77 सिक्के रखने पड़ेंगे, तो हमारी करेंसी कितना डाउन है। सरकार घर घर जाके किसी के नोट नहीं बांटती, लेकिन फिर छाप इतनी मात्रा में देना पड़ेगा इसको कि सबकी आपूर्ति हो सके, उसकी वैल्यू ही बिल्कुल डाउन जा चुकी है। फायदा क्या हुआ उस चीज़ का, ये देखिए ना, सरकार ने वहाँ के लिए यही किया, नोट इतने छपे, करेंसी की वैल्यू एकदम चली गई, इकोनॉमी डाउन हो गई। इसलिए टैक्स चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको Day 1 पे समझाया था। चलिए जी, आज की क्लास फाइनली शुरू करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। होपफुली अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छा कुछ खासा समझ में आ रहा होगा। बाकी क्योंकि आप ये मानिए, जब भी आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, कहाँ पे आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं? हाँ जी, अनेस्टेशन NSDL की साइट पे, बिल्कुल सही। जब भी आप पैन कार्ड डायल करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड। उसमें आप पार्टनरशिप डीड नोटराइज वाली अपलोड कर देते हैं, और उसके बेस पे आपका पैन कार्ड जिसमें F एक डिजिट होती है वो आपको इशू कर देते हैं फर्म के नाम से, ठीक है। अब उन्होंने आपको ये अलाउ कर दिया। अब आप ये कहना चाहते हैं कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड सबका स्लैब रेट 30% है, स्लैब रेट बोल रहा हूँ, सॉरी, टैक्स रेट सबका 30%। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि जिसका बस चाहे वो फॉर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन पर पैन कार्ड से फॉर्म तो बना लिया हो, अब जैसे तो रखो अब आप ये कहना चाहते हैं जैसे बेसिक। मैं इंडिविजुअल हूँ, पैन कार्ड अपने सेम इंडिविजुअल पे है, मैंने फॉर्म बना दिया तो लेट नॉमिनी करके बस फॉर्म बना दिया, मैं रजिस्टर्ड नहीं किया अपने आप को, और मैं कारोबार उसकी सब 20 करोड़ या 40 करोड़ का काम कर रहा हूँ उस तो उस कंसिडर जो रिटर्न जाएगी वो तो इंडिविजुअल जाएगी, परंतु तो है नहीं, परंतु मैं बना रखी है मैं दासी, तो मेरी इनकम होगी मेरे नाम पर इतना रुपये सारी सारी पर्सनल आपके पर्सनल पैन पे। बैंक में, उस पर्सनल बैंक में क्या मैं जो टैक्स का जो स्लैब फॉल करूंगा वो इंडिविजुअल में फॉल करूंगा या फिर 30% में फॉल करूंगा? नहीं, देखिए, वही आप समझे नहीं। एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सेपरेट लीगल एंटिटी का, अगर आपको याद हो तो। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको क्यों पढ़ाई थी, पर्सन की डेफिनेशन ही मैंने इसलिए आपको पढ़ाई थी कि आप समझ पाओ कि इंडिविजुअल एक अलग पर्सन है और फर्म एक अलग पर्सन है। मैंने इंडिविजुअल अलग पढ़ाए थे, फर्म अलग पढ़ाई थी।
अब आप समझिए सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है। सेपरेट का मतलब अलग, लीगल मतलब लॉ की नजरों में, एंटिटी मतलब संस्था। सेपरेट मतलब अलग अलग है लॉ की नजरों में, ये दो संस्थाएं, इंडिविजुअल अलग है फर्म अलग है। अब क्या है कि इंडिविजुअल अलग आईटीआर फाइल करेगा और फर्म अलग आईटीआर फाइल करेगी, तो इंडिविजुअल का तो स्लैब रेट चला गया और इसका फ्लैट 30% चला गया। ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी, इसलिए दोनों की रिटर्न अलग अलग जाएगी। तो जो इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी फार्म खोलते हैं, और जैसे मैंने मैं इंडिविजुअल पैन कार्ड है, इंडिविजुअल पैन कार्ड में फार्म बना दूंगी या जी बना दूंगी, और मैं कोई फ्रेंड बॉडी काम कर रहा हूँ, ऑफलाइन कर रहा हूँ, मोटी मोटी कंपनी की बैठी हुई, मैंने बाय फोन कंपनी बॉडी टर्नओवर कर दी, तो बेसिकली मैंने फार्म में अपलाइन कंपनी नाम से बनाई है, मेरी परचेज भी उसी में हो रही है, अपलाइन कंपनी नाम से, सेल्स भी उस नाम से हो रही है, सारी चीज़ें उस नाम से हो रही है, बस मैंने क्या बैंक में अपने अकाउंट खोल दिया करण के लिए फर्म के नाम से। तो दोनों की रिटर्न अलग अलग जाएंगे ना। आप सेल परचेज किस में कर रहे हो? सर। मैंने मेरा नाम क्या सुनवा, ठीक है, मेरा पैन कार्ड तो मैंने बना हुआ है, मैंने क्या ना कहीं पर रजिस्टर नहीं किया अपने आप को डिपार्टमेंट में या कहीं ना, तो मैंने भाई ऐसी को बना के रखी है, पार्टनरशिप भी ठीक है ठीक नहीं है, कुछ फिर भी आप प्रोप्राइटरशिप क्रिएट होगी ना मैंने आपकी। क्रिएट कर ली। अब कमरशिप तो मेरी टर्न ओवर होगी 12 करोड़ 14 करोड़ होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं 30% में कॉल करूंगा या उसके अंदर कैलकुलेट करूंगा। नहीं, आप तो उसमें अगर आप बिजनेस किससे कर रहे हो ये देखेंगे ना। अगर आप 12 करोड़ की टर्नओवर, इसका मतलब आपने जीएसटी नंबर जरूर लिया होगा। जीएसटी नंबर आप देखेंगे किस पेन पे लिया आपने। तो इंडिविजुअल अगर आपने जीएसटी नंबर इंडिविजुअल पेन पे लिया है, तो सिंपल सिंपल आप वहाँ पर आईटीआर फाइल करोगे, स्लैब रेट लगाओगे। हाँ, अगर आपने फर्म के नाम पे जीएस पेन नंबर लिया है और फर्म के नाम पे जीएसटी नंबर लिया, तो आप फिर 30% लगाओगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस की सर नौबत कहाँ आई, सबसे पहली बात ये चैप्टर पढ़ना क्यों पड़ा। अब देखिए आजकल क्या चल रहा है, आजकल के टाइम पे हमारा जो काम है, प्रोफेशन का जो काम है, सीए का जो काम है, वो सीमित तो रह नहीं गया है। अब ये काम इंडिया लेवल पे या बहुत सी ऐसी वेबसाइट है, guru.com है, वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ करके 3-4 वेबसाइट है। guru.com तो 100% श्योर है, जो आपको फ्रीलांसिंग का भी काम देती है। अब आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, पहले तो क्या था, अब नेट का इतना, इंटरनेट का एक्सेस है कि आप इजीली वर्ल्ड वाइड वर्क कर सकते हो। guru.com ये कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको एज ए फ्रीलांसिंग या फिर इंडिया या आउट ऑफ इंडिया में आपको काम प्रोवाइड करती हैं। अब अगर आपको, क्योंकि ग्लोबली लेवल पे काम चल रहा है आप लोग, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई बंदा अगर इंडिया में रह के काम करता है या इंडिया से बाहर जा के काम करता है और उसकी आपको आईटीआर फाइल करनी है या फिर उसका आपको बिजनेस संभालना है, तो उस बंदे का कैलकुलेशन कैसे होगा। अब लेट से मान लीजिए अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन ले लीजिए, चलो। अब अमिताभ बच्चन जी की जो मूवीज बनती हैं वो इंडिया में भी बनती हैं और आउट ऑफ इंडिया भी बनती हैं। जब मैं अमिताभ बच्चन जी की रिटर्न फाइल करने गया, आईटीआर फाइल करने गया, या फिर अभी तक आप लोगों ने कोई आईटीआर फाइल करने की कोशिश की होगी, तो वहां पे उसने सबसे पहले आपसे पूछा होगा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, इस बंदे का मतलब क्या है। रेजिडेंस का मतलब रिहाइश, ये बंदा रहता कहाँ पे। अब अगर वो बंदा इंडिया में रहता है तो उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी, अगर वो बंदा बाहर रहता है तो उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी। हमें देखना ये है
कि वो बंदा इंडिया में कितने दिन रहता है, इंडिया के रिसोर्सेज कितने यूज़ करता है, इंडिया से इनकम कितनी जनरेट करता है, कहीं ऐसा तो नहीं इंडिया का पैसा कमा के और बाहर ले जाता हो, बाहर रहता हो, इंडिया में 20-25 दिन आता हो, कोई आईपीएल वगैरह के दौरान भी बहुत से हमारे प्लेयर्स आते हैं, आते इंडिया पे, इंडिया की सरजमी पे खेलते हैं, पैसा तो बाहर ले जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन वर्क है, क्या नहीं पता आपको कब कहाँ से कुछ काम मिल जाए। रेजिडेंट बंदा इंडिया का है, एनआरआई है, किसका काम मिल गया, कहाँ उसका इंडिया से रिलेशन है, ग्लोबली लेवल पे काम करना है तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में रहेगी, कि आप लोग कैसे किसी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करोगे, फिर वो बंदा रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। अगर नॉन रेजिडेंट है तो टैक्स कैलकुलेशन और इनकम कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी, और अगर रेजिडेंट है तो अलग तरीके से होगा, नॉन रेजिडेंट है तो अलग तरीके से होगी। अब जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी बंदे का, ये इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर 6 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? 6 में। मुझे कैसे पता चला कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना, मैं पढ़ रहा था सेक्शन नंबर 5। 5 नंबर किसका है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बिना आप सेक्शन 6 के जब मैं सेक्शन 5 पढ़ रहा था तो उसमें कॉलम आ गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए मुझे इसका स्कोप ऑफ टोटल वर्क। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप क्या है इस चीज का, इनकी कैलकुलेशंस कैसे होगी, एक दायरा क्या है, स्कोप क्या है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, दायरा कितना इस चीज का, कैसे इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैलकुलेट बता करके बताओ मुझे। रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके लिए मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए कि कोई बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। जब मैं सेक्शन 6 में गया, सेक्शन 6 में जाके मैंने देखा कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ा, क्या मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म का कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंपनी का करना पड़ेगा, या किसका करना पड़ेगा, बताइए मुझे। अब बात आई, अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की या अनिल अंबानी की या फिर अमिताभ बच्चन की, तो इन बंदों का तो मुझे पता चल रहा है यार, ये बंदे फ्लाइट में बैठ के और चले गए होंगे आउट ऑफ इंडिया, लेकिन क्या पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, जो कि मैंने अभी बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें अलग हैं, क्या ये सारी चीज़ों का भी मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है? क्या आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आ गया है जिसका काम बाहर से ऑपरेट होता है इंडिया में, या फिर इंडिया का कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल गया है जिसने अपनी बाहर भी ब्रांच शुरू कर दी है, अपना काम शुरू कर दिया है? और उससे पहले भी ये बात कि चलिए इंडिविजुअल बंदे का तो फ्लाइट में बैठ के जा सकता, फॉर्म, LLP, कंपनी, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे लोग कैसे जाएंगे बाहर? ये तो
ऑपरेट करने वाला। तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ इंडिविजुअल का कैलकुलेट होगा कि बाकी लोगों का भी होगा? बताइए जरा। चल माशे जी कह रहे अतुल जी कि यहाँ पे सिर्फ इन्हीं का, इंडिविजुअल का ही कैलकुलेट होगा, बाकी का नहीं होगा, जो कि ये बिल्कुल सही है कि गलत है? ऐसे कर दूं? गलत। रेजिडेंशियल स्टेटस में इन लोगों का भी कैलकुलेट करूंगा। आप लोगों के मन में शुरुआत में डाउट हो सकता है, और सर हमारे पास तो बाहर के कोई क्लाइंट ही नहीं है, जो नॉन रेजिडेंट हो, NRI वगैरह क्लाइंट ही नहीं है, लेकिन फॉर्म LLP कंपनी का भी क्लाइंट हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि कई लोगों का बाहर माल एक्सपोर्ट होता हो, बाहर माल जाता हो, या फिर बाहर से माल इम्पोर्ट होता हो। तो वो सारी चीज़ों की हमें आज देखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसी बंदे का कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर किसी फॉर्म LLP कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म और AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोगों का कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया कि रिहाइश चेक करने की, ये बंदा इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ करता है कि इंडिया से बाहर के रिसोर्सेज यूज़ करता है। तो सबसे पहले बात है, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ NESSC डिपेंड्स अपॉन इज रेजिडेंशियल स्टेटस। इंसिडेंस का मतलब जो लगना है, जो लाइबिलिटी होगी टैक्स की, जो लागत होगी किसी भी SSC पे, अब वो डिपेंड किस पे करेगी, कैलकुलेशंस होंगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। यही मैं आपको बताने जा रहा था कि जब मैं स्कोप कैलकुलेट करने गया किसी भी, उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5, तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि रेजिडेंशियल स्टेटस पहले पता होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ SSC मस्ट बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर ईच प्रीवियस ईयर। कहना क्या चाहता हो, ये कहना चाहता है जी, मान लीजिए 2021 में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ और था, वो इंडिया में कुछ दिन रहा था, कुछ दिन आउट ऑफ इंडिया रहा था, यहाँ पे कुछ ज़्यादा रहा था, यहाँ पे कुछ कम रहा था, यहाँ पे कुछ ज़्यादा रहा था, और 22-23 में तो बिल्कुल नील के बराबर रहा था। तो मैं इसका रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल कैलकुलेट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि हर साल उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी किसी भी बंदे की, वो आया और गया बहुत होगी जी, या तो वो कम होगी या वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द SSC मस्ट बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर ईच प्रीवियस टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम वुड डिपेंड नॉट ओनली ऑन इट्स नेचर और प्लेस ऑफ एक्रुअल रिसिप्ट बट ऑल्सो अपॉन द SSC रेजिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो टैक्सेबिलिटी है किसी भी बंदे की, वो कैलकुलेट करने की, वो सिर्फ उसके नेचर और प्लेस पे नहीं होगी। नेचर का मतलब सैलरी की है, PGBP की है, कैपिटल गेन की है, या प्लेस का मतलब कि हरियाणा में कमाई है, कि रोहतक में कमाई है, कि बिहार में कमाई है, कि बैंगलोर में कमाई है, एक्रू हुई है या रिसिप्ट हुई है। एक्रू का मतलब लास्ट मैंने आपको बता दिया था जी, एक्रू का मतलब समझा दिया था मैंने कि एक्रू का मतलब होता था कि जो मैंने काम कर लिया है बट मुझे रिसीव अमाउंट नहीं हुई है, एक्रूड हो गई है, रिसिप्ट हुई है। ये सारी चीज़ें तो मुझे देखनी ही देखनी है टैक्सेबिलिटी के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे उसका क्या देखना है, रेजिडेंशियल स्टेटस, जो कि आज हम क्लास में देख रहे हैं। टू डिटरमाइन वेदर ए पर्टिकुलर इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ SSC और नॉट, वी हैव टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द SSC।
रेजिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का होता है? चलिए थोड़ा ग्रीन ग्रीन कर लेते हैं। दिल्ली में गर्मी बहुत चल रही है तो थोड़ा सा हरियाली ले आते हैं हम अपने नोट्स पे, ठीक है जी, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा सा फील हो, बारिश आ जाए। टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब एक तो रेजिडेंट जो बंदा रहता है, एक नॉन रेजिडेंट जो बंदा रहता ही नहीं है। अब कुछ ऐसे बंदे हैं जो कभी आ गए कभी चले गए। लेट्स से मान लीजिए कि जस्टिन बीबर एक पॉपुलर सिंगर है आउट ऑफ इंडिया के, अगर वो इंडिया आ जाते कभी किसी साल तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो हर साल आएंगे, इसका ये भी मतलब नहीं है वो इंडिया में रहते हैं। अब अगर वो इंडिया में नहीं रहते, लेट से मान लीजिए 2021-22 में जस्टिन बीबर का कोई कॉन्सर्ट था इंडिया में और वो आए एक दिन के लिए और चले गए, क्या 2022-23 में वो आए, 2022-23 में वो नहीं आए, तो हम ये मानेंगे ही नहीं कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हो सकता है, वो तो सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट, इंडिया में तो रहते ही नहीं है। अब मान लीजिए क्रिस गेल है, रिकी पॉन्टिंग है, क्रिस गेल मान लीजिए आईपीएल में भी आता है, टेस्ट क्रिकेट में भी आता है, T20 कोई गेम होता है उसमें भी आता है और वनडे में भी आता है, कुल करके मान लो कि ये बंदा साल में कितने दिन होते हैं जी, 365, और लीप ईयर में ये बंदा मान लो 256 इंडिया में रहता है, 256 दिन। अब इसको मैं रेजिडेंट कहूँ कि नॉन रेजिडेंट कहूँ, बात यहाँ पे आती है। रेजिडेंट कह नहीं सकता क्योंकि इंडिया में पूरा साल तो रहा ही नहीं है, नॉन रेजिडेंट इसलिए नहीं कह सकता कि जी इंडिया में तो रहा तो है 256 दिन। तो ये आगे बीच की सिचुएशन, और ऐसे ही आपको क्लाइंट मिलने वाले हैं। मान लीजिए किसी की रेफरेंस लगा के क्रिस गेल का काम आपको मिल जाता है, मंथली भी और ईयरली भी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए पहले आपको नॉलेज तो होनी चाहिए लॉ की, सर इतने बड़े आदमी का काम हमें कैसे मिलेगा, सर सपने ही छोटे रखोगे तो फिर काम बड़ा कैसे होगा, मुझे ये बता दीजिए। अगर काम बड़ा रखना है तो सपने तो बड़े रखने होंगे ना, नहीं पता किस्मत का कब कौन बंदा कहाँ टकरा जाए आपसे और किसका काम फॉरवर्ड करते। क्रिस गेल का नहीं मिले, बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं इंडिया में जो आउट ऑफ इंडिया आते जाते रहते हैं, तो उनकी कैलकुलेशंस कैसे होंगे? और अगर आपने उनकी कैलकुलेशन उनकी रिटर्न में सही दिखा दी, रेजिडेंशियल स्टेटस सही कैलकुलेट कर दिया, तो हो सकता है वो अपने बिजनेस का काम भी आप लोगों को दे दें। हाँ जी, गलत कह रहा, ठीक है ना? तो लास्ट क्या था, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट को भी इन्होंने दो उसमें बांट दिया, ROR, एक घर का नाम, हमारे छोटे से घर का नाम क्या रखा जी इन्होंने, ROR, और दूसरे का क्या रखा, RNOR। सर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताओ, सर हजम नहीं हो रहा, कई देर से स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, इधर उधर का एग्जांपल देके समझा रहे थे, पूछना चाह रहे थे कि सर ये ROR क्या होता है और RNOR क्या होता है। कईयों ने तो नीचे पढ़ भी लिया होगा। ROR का मतलब है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन, और RNOR का मतलब है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है रेजिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट,
रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसका मतलब क्या है, किसको हम आर ओ आर बोलेंगे, किसको हम आर एन आर बोलेंगे, वो आगे की कंडीशंस में हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे कहना चाहते हैं ओनली इंडिविजुअल एन एच यू एफ कैन बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर अभी तो आप कह रहे थे बाकी भी हो सकते हैं, अरे सुनो भाई सब्र करो थोड़ा। ओनली इंडिविजुअल एन एच यू एफ कैन बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब आर ओ आर हो सकते हैं। ऑल अदर क्लासेज ऑफ एस एस सी कैन इधर बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, या तो वो रेजिडेंट होंगे या वो नॉन रेजिडेंट होंगे, लेकिन इंडिविजुअल और एच यू एफ वो हमें वो चेक करना। पहले तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना, सबसे पहले हमें चेक करना है फर्स्ट स्टेप। हाँ जी फर्स्ट स्टेप क्या लेना है सर, फर्स्ट स्टेप हमें लेना है कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। सेकेंड स्टेप मुझे पता चल गया जी रेजिडेंट है बंदा, रेजिडेंट में भी क्या है आर ओ आर है कि आर एन ओ आर है, सबसे पहले ये चेक करो और इनमें से एक होगा तो फिर ये चेक। अगर वो नॉन रेजिडेंट ही है फिर तो कोई बात ही नहीं, अगर रेजिडेंट है तो आर ओ आर एन ओ आर की बात आएगी ना निकल के। तो यहाँ पे भी था कि सबसे पहले रेजिडेंट हमने चेक किया और नॉन रेजिडेंट, अगर मुझे पता चल गया जी वो रेजिडेंट है तो उसके बाद मैं आर ओ आर और आर एन ओ आर करूँगा, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पर्सन ऑफ एस एस, क्या कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट एसएससी इंडिविजुअल। अब हम बात करेंगे कुछ देर के लिए सिर्फ इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का मतलब आप और मैं, हम जैसे ह्यूमन बीइंग, जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग हैं, जिनको क्रिएट नहीं किया गया, ये नेचुरल पैदा हुए हैं। नेचुरल पैदा कहाँ से हुए जी, अपने माँ बाप के, अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। बेसिक कंडीशंस क्या है, इंडिविजुअल इज ए रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन, कोई भी कोई एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देगा इस बेसिक कंडीशंस में से, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल इज रेजिडेंट, वो इंडिया का रेजिडेंट है अगर वो इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। He has been in India, has been मतलब रह चुका हो, total period, total period का मतलब total समय, time, 182 days or more during the PY का मतलब क्या है, previous year में वो बंदा 182 days, 182 दिन इंडिया में रहा हो या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, तो हम उसको क्या मान लेंगे, हाँ जी क्या मान लेंगे, रेजिडेंट मान लेंगे। बोल क्यों नहीं रहे जी आप, तो अगर पूरे साल में कितने डेज हैं, तो इसमें से 182 डेज और मोर वो इंडिया में रह जाता है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट। या फिर और उसने क्या बोला था, कोई एक कंडीशन मान लेना है, तो पहले वाली मान लेना नहीं तो दूसरे वाली। दूसरे वाली क्या कहती है, He has been in India at least 60 days in the relevant previous year. मतलब अभी अभी जो साल ख़त्म हुआ है जिसके हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं उसमें उसने 60 दिन उस साल में रहा हो। And
देखिए एंड और का बहुत फ़र्क है कानून पढ़ने में, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप में और जो बाहर के बच्चे हैं उनमें यही डिफरेंस होगा कि आपको एक एक चीज़ पता होगी। उसने कहा था एनीवन, पहली और दूसरी कंडीशन, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा था, और पहली और दूसरी में, लेकिन दूसरी का ए और बी जो पार्ट है उसमें क्या लिखा है, एंड। मेरी बात समझिए, पहले उसने कहा रेजिडेंट के लिए कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दो, दो में से, पहली और दूसरी, दो। पहली कंडीशन कहती है 182 डेज और मोर वो इंडिया में रहा हो तो मैं उसको रेजिडेंट मान लूंगा। अगर कोई बंदा 182 डेज रहा है पिछले प्रिसीडिंग ईयर में, ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग ईयर जो अभी ख़त्म हुआ, तो 182 डेज और मोर तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। अब मान लो वो 90 दिन रहा था या फिर 120 दिन रहा था, तो वो कहेगा यार रहा तो मैं भी ज़्यादा ही हूँ, इस साल ही नहीं कम रह पाया, इस साल कुछ ज़्यादा काम हो गया था, कोविड हो गया था, मैं बाहर देश फंस गया था, इसलिए मैं इस देश में नहीं आ पाया था। तो सरकार कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लाला, हम एक और चांस देते हैं आपको, आप 182 दिन या उससे ज़्यादा नहीं रह पाए, रेजिडेंट नहीं हो पाए थे, तो हम आपको एक कंडीशन और देते हैं, वो फुलफिल कर दो। कहते वो क्या, इस साल कितने दिन रहे हो? कहता जी 128 दिन रहा हूँ, कोविड में फंस गया था। कोई बात नहीं, 60 दिन से ऊपर है, एक कंडीशन चेक कर लीजिए, एंड उसके साथ इस साल करंट करंट ईयर नहीं, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर की मैं बात करूँगा, उस साल आप 60 दिन तो रहने चाहिए चाहिए हो। उन्होंने कहा जी 120 दिन रहा हूँ पूरा, ठीक है, एंड उसके पिछले 4 साल, जिस साल के 60 दिन चेक कर रहा हूँ उससे पिछले 4 साल मैं चेक करूँगा, उसमें एटलीस्ट सबका मिला के 365 डेज भी रहने चाहिए। मतलब पिछले साल 4 सालों में से एक साल पूरा आप इंडिया में रहने चाहिए, या फिर 50 दिन कहीं पर, 100 दिन कहीं पर, मतलब 365 दिन होने चाहिए। दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दो तो आप रेजिडेंट कहलाओ जी। हो हाँ, लास्ट फोर तो प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो उस इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो कंडीशन रखी कि फर्स्ट कंडीशन, अगर आपको रेजिडेंट बनना है तो इंडिया में 182 डेज रहे। वो कहता जी कोविड हो गया था नहीं आ पाया, कहता कोई बात नहीं आप 60 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं, कहता जी रहा हूँ, तो कहता उससे पिछले 4 साल देखिए, अगर 365 दिन रहा होगा इन टोटलिटी पूरे 4 साल में, 365 दिन, 365 डेज, साल में 365, तो कहते 4 साल का मिला के 365 रहा हो तो भी मान लेंगे आपको रेजिडेंट। इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो रेजिडेंट मान लेंगे। इफ बोथ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाई नॉन रेजिडेंट, अगर दोनों ही नहीं माने तो आपको क्या मान लेंगे, नॉन रेजिडेंट। सर टैक्सीबिलिटी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होने से क्या टैक्सेबिलिटी में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए। हाँ जी पड़ेगा, पड़ेगा, मैंने आपको कल ही बताया था कि रेजिडेंट कई कंडीशंस में रेजिडेंट के लिए अलग स्लैब रेट था, कई कंडीशंस में नॉन रेजिडेंट के लिए अलग स्लैब रेट था। एक बात बताइए मुझे, 87A की क्या आपको रिबेट याद है, क्या लिखा था 87A में, कुछ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का पढ़ा था आपने या नहीं पढ़ा था? अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, 182 दिन से कम रहे हो और 60 साल वाले भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो आपको जो रिबेट है वो नहीं मिलेगी। सबसे पहला मैं जो सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इनकम टैक्स में जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए अलग अलग है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एलिजिबल एसएससी कौन है 87A, 87A की रिबेट वही 12,500 वाली जो रिबेट थी, ये छूट किसको मिलेगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख। तो मैंने आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए बताया कि कौन सी कंडीशन, आपको कोई एक कंडीशन आप फुलफिल कर दीजिए,
कोई एक कंडीशन में क्या थी, या तो आप 182 दिन 182 डेज और मोर इंडिया में रहिए, या फिर 60 दिन करंट प्रीवियस ईयर में, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, और उससे पिछले, उस प्रीवियस ईयर से जिसके 60 साल आपने चेक किए थे उससे पिछले 365 डेज आप चेक कर लीजिए। अगर आप उसमें रहे हैं 365 डेज टोटल हुए तो भी आप रेजिडेंट हो जाएंगे, अदरवाइज अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस में क्या कहते हैं, फॉलोइंग इंडिविजुअल्स विल बी रेजिडेंट, कहता है फॉलोइंग इंडिविजुअल्स विल बी रेजिडेंट ओनली इफ, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं ये दो वाले ये होंगे, ओनली इफ पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर, मतलब सेकेंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, मतलब जो दूसरे वाली कंडीशन थी 60 डेज और मोर एंड पिछले 4 साल में, 60 साल से उससे पिछले 4 साल में, जिस साल के आप 60 दिन चेक करेंगे, उससे पिछले 4 साल में अगर 365 डेज हो रहे, वो वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। सिर्फ एक कंडीशन, दो ऐसे बंदे ढूंढे इंडियन शिप पे जो काम करते हैं या फिर जो इंडिया विजिट के लिए आए थे एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, वो दो ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ मैं 182 डेज वाली कंडीशन देखूंगा, बाकी इनके अलावा जितने रह गए उन सब पे दोनों कंडीशन, लेकिन इन दो पे, कौन कौन से बंदे, इंडियन सिटीजन। सर क्या सिटीजनशिप से फर्क पड़ता है क्या रेजिडेंशियल स्टेटस का, बोलिए जी क्या मेरा सिटीजनशिप से फर्क पड़ेगा, मैं इंडियन सिटीजन हूं कि नहीं हूं, क्या रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। बोलिए, इंडियन सिटीजनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों सर, मैंने अभी आपको क्रिस गेल का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको अभी रिकी पॉन्टिंग का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको जस्टिन बीबर का दिया था, क्या उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, जी नहीं, लेकिन वो इंडिया में रहे तो हैं, सिटीजनशिप लेने पे ही हम लोग टैक्स लगाएंगे ये कहाँ लिखा हुआ है। सीधी सीधी बात है, अगर आप इंडिया में रुके, इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ किए, आप टैक्स देके जाओ, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे आपका, तो सिटीजनशिप से कोई नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में ये जो दो आदमी होंगे, ये जो दो कंडीशन है, वहाँ पे जहाँ पे 182 डेज वाली ही कंडीशन लगेगी इस सिचुएशन में, वहाँ पे मैं चेक करूँगा कि वो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए, इंडिया की नागरिकता भी होनी चाहिए, सिटीजनशिप का मतलब हु लीव्स इंडिया, जिसने इंडिया छोड़ दिया हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, जो समुन्द्र में जहाज चलते हैं इस पे जो क्रू मेंबर होगा वो इंडिया छोड़ के, ये इंडिया हो गया लेट से मान लीजिए, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है इंडिया से बाहर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो आउटसाइड इंडिया, तो सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करूंगा। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए हु कम्स ऑन विजिट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर, जो इंडिया में विजिट के लिए आया है प्रीवियस ईयर में, सच पर्सन मस्ट बी एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया से बाहर या तो एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में कहीं भी हो, इंडिया में उसका बिजनेस एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इंडिया आया हो तो 182 डेज वाली कंडीशन यहाँ पर लगेगी। आप आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो ये मान के चलिए 12 न्यूटिकल माइल, मैंने आपको क्या समझाया, देखिए इनका डाउट क्या है, इनका डाउट है
कि मान लीजिए ये मेरा इंडिया है, यहाँ पे ये श्रीलंका होगा, ये समुंदर 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 हर जगह समुंदर, बहुत भारी समुंदर, समुंदर में नहा के और भी, ठीक है जी, ये आपका समुंदर हो गया। शिप जा रही थी 12 न्यूटिकल माइल, यहीं तक थी इंडिया की जो डेफिनेशन थी 12 न्यूटिकल माइल तक, यहीं तक थी 12 न्यूटिकल माइल। इनकी ना कैलकुलेशन होती है, जैसे किलोमीटर होते हैं वैसे न्यूटिकल माइल्स होते हैं, तो 12 न्यूटिकल माइल तक ही समुंदर में जो जमीन है, सी बेड जिसको नीचे जमीन बोलते हैं, जो समुंदर की जमीन होती है नीचे, वहाँ तक और ऊपर समुंदर में और हवा में एरियल में सारा इंडिया है। सिर्फ जमीन जमीन ही, समुंदर का कुछ पानी भी इंडिया का 12 न्यूटिकल माइल तक। वहाँ तक अगर वो चल रहा है, वो देखेंगे कि किस दिन शिप यहाँ से चला था, कब ये 12 न्यूटिकल माइल तक पहुँचा, कब इंडियन बॉर्डर उसने क्रॉस किया, यहाँ तक तो वो इंडिया में ही कैलकुलेट होगा। अब यहाँ से जैसे ही वो निकला, अब ये कह रहे हैं कि सर ये यहाँ से तो निकल गया, अब वो यहाँ पे मान लो वो शिप यहाँ पे खड़ा हुआ है, कुछ दिक्कत आ गई या कुछ दिक्कत हो गई, ये शिप यहाँ खड़ा है, हवा में झंडा लहरा रहा है इसका, तेज फुर फुर ये झंडा लहरा है इसका। ड्राइंग बड़ी ख़राब है यार मेरी, है बहुत ख़राब ड्राइंग, कोई बात नहीं। ये जहाज यहाँ खड़ा है, इमेजिनेशन करो ना, चले जाओ समुंदर में, चले गए जी 12 न्यूटिकल माइल क्रॉस हो गया, वहाँ पर खड़ा हुआ है। अब जब वहाँ जहाज खड़ा है तो ये कह रहे ना तो ये इस देश का ना उस देश का, जी नहीं, जैसे ही मेरे 12 न्यूटिकल माइल ख़त्म होंगे तो उस देश की सीमा किसी न किसी देश की सीमा लग जाएगी, फिर उसकी कैलकुलेशंस वहाँ होगी कि उस देश में वो कितना रहा। और मुझे तो सिर्फ अपना टैक्सेशन देखना है ना यार, मैं क्यों बाहर का टैक्सेशन जाके देखूंगा बाहर के लोगों का, अगर वहाँ के पैसे मिल रहे तो वहाँ का टैक्सेशन भी पढ़ लीजिए और वहाँ का भी काम कर लीजिए। तो 12 न्यूटिकल माइल तक जब तक वो रहा तब तक इंडिया में उसका स्टे माना जाएगा, 12 न्यूटिकल माइल के बाद उसका इंडिया में स्टे नहीं माना जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इंडिया का देख लूंगा ना, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से बाहर वो कहीं भी जाए, कहाँ खड़ा था कहाँ नहीं खड़ा था, मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं होगा ना, मैं सिर्फ इंडिया का चेक कर लूँगा। एडिशनल कंडीशन क्या कहते हैं, टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल इज ROR और RONOR, मतलब रेजिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वी नीड टू चेक टू एडिशनल कंडीशन। क्या कहता है, इज टोटल स्टे इन इंडिया इन लास्ट 7 ईयर इज 730 डेज और मोर, 730 days or more, and he is resident in any 2 out of last 10 year. Additional condition आपको क्या fulfill करनी पड़ेगी, कि आप ROR हो, कि RONOR हो, तो आपको total stay in India पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, and का मतलब दूसरी condition भी आपको fulfill करनी है, He is resident in any 2 out of last 10 years. पिछले 10 साल में किसी 2 साल में उसका status resident होना चाहिए। Resident कैसे होगा? वही 182 days वाली और वो conditions check करेंगे। Sir, अभी 2 साल का तो उसका 182 days रहा हो 2 साल के तो 10 years में, तो उसको righteous person और 7 साल के अंदर 730 दिन इंडिया में रह चुका होगा। मेरी बात समझिए, अब यहाँ पे ना इतनी वो आ गई हैं कि आप शायद हो सकता है कन्फ्यूज़ हो गए हैं। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, मैंने किसी बंदे का कैलकुलेट कर लिया, ये बंदा रेजिडेंट है, ये बंदा
नॉन रेजिडेंट, कैसे कैलकुलेट होगा? 182 डेज वाली कंडीशन रेजिडेंट के लिए चेक कर लूँगा, 182 डेज वाली या फिर 60 डेज वाली, और 365 लास्ट फोर ईयर में, ठीक है। यहाँ से मेरा कैलकुलेट हो गया रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ से फिर मुझे कैलकुलेट करना है ना कि वो आर ओ आर है कि या फिर आर एन ओ आर है, तो फिर मैं यहाँ से चेक करूँगा। अगर आर ओ आर है तो उसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल है, दो एडिशनल कंडीशंस, 730 दिन वाली या टू ईयर वाली, पिछले 2 साल में, यही कंडीशन देना, दो ही कंडीशन। अगर ये दोनों फुलफिल हो गए तो आर ओ आर, नहीं तो आर एन ओ आर। सर ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं? अब आपके सामने ना डाउट्स आने लगेंगे कि ये इनकम इंडिया में आई बाहर देश से, बाहर देश से बंदा गया था कमा के इंडिया में वापस आ गया, नेट से कोई पढ़ाई करने बाहर गया था, जॉब करके इंडिया में आ रहा है, इंडिया से इंडिया में कुछ पैसा ला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बाहर देश में उसकी कई हाउस प्रॉपर्टी थी, वहाँ से पैसा आ रहा है इंडिया में भेज देता अपने माँ बाप के पास, या फिर इंडिया से पढ़ के सुंदर पिचई जी बाहर गए, उसके माँ बाप यहीं पे रहते सुंदर पिचई जी के उनके, तो वो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, तो क्या टैक्सेबिलिटी? ये सारी चीज़ों के लिए आर ओ एन ओ आर की टैक्सेबिलिटी का है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का है। तो अब मोटा मोटी आप लोगों को समझ आना आ जाना चाहिए इस डायग्राम से कि 182 डेज 60 डेज रेजिडेंट के लिए है, आर ओ एन ओ आर के लिए 730 डेज और ये वाली कंडीशंस। If an individual satisfy both additional condition, अगर वो दोनों की दोनों satisfy कर देता है तो वो क्या है, यही मैंने बताया था, none और one additional condition करता है तो आर एन ओ आर, ठीक है जी। तो आपको दोनों condition satisfy करनी पड़ेगी। सर कहीं पे दोनों है कहीं पे एक है, सिंपल याद रखिए जो पहली condition थी कोई एक satisfy करनी थी, उसके बाद तो दोनों ही सेटिस्फाई करनी, पहली वाली के दोनों पार्ट भी दोनों सेटिस्फाई करने थे। ये देखिए पहली वाली के दोनों पार्ट सेटिस्फाई, सॉरी दूसरे वाली के दोनों पार्ट आपको सेटिस्फाई करने थे। ये देखिए एंड ओवर में कंफ्यूज मत होइए, जो पहली वाली बेसिक कंडीशन थी, एक एडिशनल कंडीशन एक बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन में से कोई एक फॉलो कर लीजिए आप, वन और टू, कोई एक और लगा हुआ है इनके बीच में, लेकिन जब टू की ए और बी की बात आई तो वहाँ पे एंड लिखा हुआ है तो वो दोनों फुलफिल करनी है। एडिशनल कंडीशन किस लिए थी? एडिशनल कंडीशन आर ओ एन ओ आर के लिए थी। क्या बोला ये जी? ये बोला कि जी पिछले 7 साल में आपको 730 दिन और ज़्यादा रहना एंड रेजिडेंट रहना किसी भी 2 साल में, पिछले 10 साल में। रेजिडेंट के लिए फिर 182 डेज वाली देखूंगा। अगर आप दोनों कर ले तो आर ओ आर हो, अगर आप एक करते हो या एक भी नहीं करते हो तो आर ओ एन ओ आर, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक शब्द आया था इंडियन सिटीजन, ये जो दो कंडीशन थी, अब एक्सेप्शन क्या बोल रहा था वो कि जी कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, सॉरी सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। किस केस के लिए? इन दो बंदों के लिए, कोई क्रू मेंबर का शिफ्ट था या इंडियन ओरिजिन का था। तो इंडियन ओरिजिन का मतलब ये क्या कह रहे हैं, इफ द पर्सन और हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, जो बंटवारे के टाइम से पहले का भारत था, या तो वो पर्सन खुद उसमें रहता हो तब उसको इंडियन ओरिजिन का मान लिया जाएगा, और उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल करनी होगी, कौन सी वाली, 182 डेज वाली, और वो सीधा क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा, कोई और कंडीशन नहीं, या फिर उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो या उसके दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो। पर्सन तो थोड़ा मिलना आजकल मुश्किल ही है अनडिवाइडेड इंडिया वाले, तब कईयों के पेरेंट्स हो, ग्रांड पेरेंट्स हो, वो चीज है। ग्रांड पेरेंट्स इंक्लूड बोथ मैटरनल और पेरेंटल ग्रांड पेरेंट्स। अब हमें दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है जी। मान लीजिए लेट्स से एग्जांपल लेते हैं अमिताभ बच्चन जी का, अमिताभ बच्चन जी की 4 मूवीज आनी थी,
अमिताभ बच्चन जी कितनी मूवी याद नहीं थी। चार मूवीज आनी थी, 1, 2, 3, 4। अब चार मूवीज की शूटिंग उनकी कहाँ हुई थी? बाहर। बाहर कहाँ मान लेते हैं जी? होनोलुलु में मान लेते हैं, होनोलुलु। होप सो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग ठीक हो। चलिए, होनोलुलु एक शहर है, वहाँ पे हुई थी चारों की शूटिंग। अब जो फर्स्ट मूवी की शूटिंग थी वो जैन और फैब में, सॉरी फैब में पूरी करके आ गए, मार्च में इंडिया में ही रहे, अप्रैल और मई में फिर चले गए, फिर इंडिया में आ गए एक महीने के लिए। जैन फैब मार्च में इंडिया में, अप्रैल मई जून में इंडिया में, जुलाई अगस्त में इंडिया से बाहर, सितंबर में, अक्टूबर और नवंबर में, और इसकी मान लीजिए ज़्यादा लंबी, और दिसंबर में फिर इंडिया में वापस आ गए। मतलब आए गए आए गए आए गए। तो क्या मैं 182 दिन जो थे, जो 60 दिन थे, जो 365 डेज थे, जो 730 दिन थे, क्या वो सारे के सारे मैं एक साथ मानूंगा? क्या वो एक साथ होने चाहिए? कंटिन्यूसली रहना चाहिए वो इंडिया में 182 दिन? जी नहीं। वो इंडिया में हो सकता आया गया हो, हमें देखना है कि पूरे साल में 182 दिन होने चाहिए, चाहे एक साथ रह लो, चाहे एक महीने में रह लो, चाहे कैसे भी रह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ 182 डेज चाहिए, चाहे 20 बार आओ जाओ, चाहे डेली आओ जाओ। अब सर अगर डेली आओ जाओ तो क्या उस दिन को मैं कंसीडर करूं या ना करूं? जिस दिन मैं निकला इंडिया से और जिस दिन मैं आया इंडिया में, मान लीजिए मेरी आज शाम की फ्लाइट है 26/6 की, और 1 अगस्त को मैं वापस आ जाऊंगा इंडिया में, तो क्या 26/6 और 1 अगस्त मेरा इंडिया में काउंट होगा कि नहीं होगा? ये बात मान के चलिए आप लोग कि जब आप इंडिया की सरजमी पे हो, हिंदुस्तान की जब आप धरती पे हो कहीं पे भी, तो वो पूरा दिन वहीं पे कैलकुलेट माना जाएगा। 26/6 भी इंडिया में कैलकुलेट होगा और 1 अगस्त भी इंडिया में। जब आप इंडिया में लैंड हुए, जैसे ही आपकी हवाई जहाज, ये देखो ये आपकी हवाई जहाज, ओहो बहुत खराब, जैसे ही इसके पैर इंडिया में टिके, इंडिया की सरजमी पे, वैसे ही इंडिया में कैलकुलेट होगा वो दिन भी आपका। और जैसे ही इसके पैर यहां से उठे थे, वो दिन भी आपका काउंट। डाउट बहुत आते हैं आपके, बताओ तो वो 26 तारीख वाली भी काउंट होगी। वो जो आपका डिपार्चर और वो जो बुकिंग टाइम था वो सारा का सारा माना जाएगा। हाँ मान लिया जाए, जो टिकट टाइमिंग हो गया, आप टिकट प्रोड्यूस करवाई जाएंगे आपसे डिपार्टमेंट में, वो आपके दिन कंसिडर कर लिए जाएंगे। ठीक है कि कंटिन्यूस स्टे इन इंडिया नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है। अब कंटिन्यूस स्टे करो इंडिया में या मत करो, डेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर, जो निकले इंडिया से और अराइव हुए आए, कंसिडर टू बी इन इंडिया फॉर कंटिन्यूस स्टे इन इंडिया। इंडिविजुअल कैन बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्रीज बट ही कैन बी सिटीजन ओनली इन वन कंट्री। देखिए नागरिकता आपको एक देश की मिलेगी, हिंदुस्तान की नागरिकता ले लो, अगर आपको US की नागरिकता लेनी है तो हिंदुस्तान की नागरिकता आपको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट तो आप हर देश में हो सकते हो यार, यहाँ रुके नहीं रुके, दोनों में फर्क समझिए। सिटीजनशिप नागरिकता अलग चीज होगी, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग हो गया। तो ये कह रहा कि एक बंदा एक से ज़्यादा कंट्रीज में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन नागरिकता सिर्फ एक कंट्रीज की। ठीक है चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर बी ए कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया, मतलब सिटीजन कहाँ का है? कनाडा।
फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 ही वॉज इन इंडिया फॉर 55-60, 90-150, 70 रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर B21 असेसमेंट ईयर B21 मतलब प्रीवियस ईयर तो ड्यूरिंग द स्टे 1920 मतलब प्रीवियस ईयर 1920 मिस्टर बी वाज इंडिया फॉर 70 डेज मतलब इस साल में 70 दिन तो वो वाली कंडीशन इसने फुलफिल कर दी कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी थी 60 दिन वाले और ड्यूरिंग द लास्ट फोर ईयर्स में 355 दिन जबकि वहां कितना लिखा था 365 तो डज नॉट हैव एनी बेसिक कंडीशन इसलिए क्या हो जाएगा नॉन रेजिडेंट साठ वाली कर दी लेकिन एंड लिखा हुआ तो वहां पे यही बात सोचिए ये देखिए यहीं पे अभी चलते हैं चलिए एंड लिखा हुआ था 60 दिन भी रहना था और पिछले 4 सालों में 365 दिन भी रहना था ये वाली कंडीशन इन दोनों में से कोई एक कर दो 182 डेज वाली कह रहे कोई बात नहीं रहे 182 दिन कोई बात नहीं 60 दिन से ज्यादा रहे हो कह रहे जी 70 दिन रहा हूँ कह रहे उससे पिछले 4 सालों में कह रहे जी 355 कह रहा जी नहीं 365 रहना था आपको तो वो कहता 355 रहा हूँ कहता निकलो नॉन रेजिडेंट2019 को फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी इन फ्रांस डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021 कहता है मिस्टर डी एक इंडियन सिटीजन है ठीक है जी लीव्स इंडिया इंडियन सिटीजन के नाम से ही ध्यान हो जाना चाहिए ये वो वाली कंडीशन होगी जिसमें सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल करनी थी दो नहीं करनी थी कौन से वाले 182 डेज वाले 22-9-2019 को फर्स्ट टाइम छोड़ दिया उसने इंडिया में वर्क एंड ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट के लिए गया फ्रांस में रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 मिस्टर डी वॉज इन इंडिया फॉर 175 डेज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर के 22-9 को उसकी फ्लाइट उड़ी थी 22-9 उसने ले लिया टोटल कितना हुआ 175 डेज जबकि इसको कंडीशन कौन सी फुलफिल करनी थी ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं हम ये देखिए इंडियन सिटीजन ये देखिए इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर सच पर्सन मस्ट बी एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस आउटसाइड इंडिया वो पहले इंडिया में था लेकिन वो आउटसाइड किसके लिए गया था जॉब के लिए गया था इट डज नॉट सेटिस्फाई द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 182 डेज ऑल्सो सिंस ही इज एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट द सेकेंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम Therefore, Mr. D is non-resident. R was born in Dhaka. He has been staying in Canada. Dhaka में जन्म लिया 1945 में. Canada में stay करता है. Comes to visit in India on 13th of October 2019 and returns on 29th of March 2020. Determine the residential status. स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 1819-168 डेज भाई यहाँ से लेके और यहाँ तक का कैलकुलेट कर लो 1819 का इट डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल इज इंडियन ओरिजिन ध्यान रखिए इसने थोड़ा सा उलझा दिया इसने क्या बोला ढाका में जन्म लिया ढाका भाई क्या था 1945 अनडिवाइडेड भारत जो था तो उसके तो सिर्फ एक कंडीशन लगेगी ना 182 डेज वाली सेकंड कंडीशन थोड़ी लगेगी तो इसलिए वो क्या हो गया नॉन रेजिडेंट ये ऐसे ही एग्जांपल दिए नोट्स आपको दिए जाएंगे उसमें से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जैसा भी आपको टाइम लगे
डिटरमिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल आर ओ एन ओ आर, आज एच यू एफ की बात कर लेते हैं। एच यू एफ का रेजिडेंस अभी तक हमने सिर्फ इंडिविजुअल का बताया, सिर्फ यही देखना, कुछ ज़्यादा नहीं देखना। क्या देखना है जी? 182 डेज, वो नहीं पूरी होती तो दूसरी क्या देखनी है? करंट प्रीवियस ईयर, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जो भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें 60 डेज और उससे पिछले चार सालों में 365। कोई सी एक कंडीशन फुलफिल कर दो, 182 डेज वाली या ये 60 दिन वाली, और 60 दिन और 365 वाली दोनों फुलफिल करनी पड़ेगी। कोई भी फुलफिल कर दो तो आप क्या हो जाओगे? रेजिडेंट। रेजिडेंट के बाद आर ओ एन ओ आर में देखना था। आर ओ एन ओ आर में क्या था? दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी, पिछले सात साल में 730 दिन और सेकेंड 10 साल में से दो साल में रेजिडेंट रहना चाहिए, ठीक है, तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो अब इंडिविजुअल छोड़ के हम आ गए एच यू एफ पे। एच यू एफ क्या कहता है जी? एच यू एफ कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर सी एंड एम ऑफ एच यू एफ इज सिचुएटेड। सी एंड एम का मतलब क्या है जी? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। उसका कंट्रोल कहाँ से होता है? कंट्रोल कौन करता है? मैनेजमेंट कौन करेगा इसकी? करता। तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस हम चाहे, अब भाई एच यू एफ उठ के थोड़ी जाएगी इंडिया से बाहर की फ्लाइट में बैठ के एच यू एफ जा रही। कर्ता जो होगा, कर्ता जो हेड होता है उसको कर्ता बोलते हैं एच यू एफ में। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली और पार्सली इन इंडिया, अगर सी एंड एम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड होली या फिर पार्टली, पार्सली थोड़ा सा भी है या पार्टली है इंडिया में है तो एच यू एफ क्या हो जाएगी? रेजिडेंट। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुए होली आउटसाइड, अगर बिल्कुल ही बाहर से कंट्रोल मैनेजमेंट हो रहा है, करता बाहर गया, तो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। आर ओ आर, आर एन ओ आर का स्टेटस सिर्फ इंडिविजुअल और एच यू एफ में था, तो एच यू एफ में और देख लेते कि क्या कंडीशन। आर ओ एन ओ आर के लिए एच यू एफ में स्टेटस ऑफ करता विल डिटरमाइन वेदर एच यू एफ इज आर ओ आर और आर एन ओ आर। इफ कर्ता इज आर ओ आर, फिर हम कर्ता का स्टेटस चेक करेंगे। कर्ता का मतलब इंडिविजुअल वाला, अगर कर्ता का स्टेटस है तो वो आर ओ आर हो जाएगा, तो एच यू एफ भी आर ओ आर। अगर कर्ता का स्टेटस आर ओ एन ओ आर है तो उसका भी किसका? एच यू एफ का, ठीक है जी। नो नीड टू चेक बेसिक कंडीशन फॉर कर्ता, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन 182 डेज और 60 डेज वाली थी, एडिशनल कंडीशन मेरी 730 डेज वाली थी। ये देख, ये मेरी एडिशनल कंडीशन हो गई और ये मेरी बेसिक कंडीशन हो गई। तो कर्ता के लिए सिर्फ मैं एडिशनल कंडीशन देखूंगा, ना कि मैं बेसिक कंडीशन चेक करूंगा। हाँ जी, क्लियर है? तो एच यू एफ का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक होगा जी? फटाफट बताओ यार। एच यू एफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक होगा? एच यू एफ का रेजिडेंशियल स्टेटस ऐसे चेक होगा कि सबसे पहले हम उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखेंगे। कंट्रोल और मैनेजमेंट, उसके डिसीजंस कहाँ से लिए जा रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट कहाँ से हो रही है। वो अगर वो इंडिया में थोड़ा सा भी पार्ट है, चुन्नू सा मुन्नू सा, पार्सली और होली, तो वो क्या मान ली जाएगी? रेजिडेंट। और अगर नहीं तो फिर क्या मान ली जाएगी? नॉन रेजिडेंट। लेकिन इंडिविजुअल और एच यू एफ, मेरे आर ओ एन ओ आर भी होते हैं और आर ओ आर भी होते हैं और आर एन ओ आर भी होते हैं, उसके लिए हम किसका स्टेटस चेक करेंगे भाई? अब एच यू एफ का तो स्टेटस नहीं देख सकते, एच यू एफ थोड़ी उठ के जाएगी, तो उसमें कर्ता का स्टेटस देखेंगे। हाँ जी, आर ओ एन ओ आर के लिए एडिशनल कंडीशन मैंने चेक करनी है, वो किसकी करनी है? कर्ता की। अगर कर्ता निकला आर ओ आर तो एच यू एफ निकलेगी आर ओ आर, अगर कर्ता निकला आर एन ओ आर तो एच यू एफ निकलेगी आर एन ओ आर। बस यही ध्यान रखना है। फॉर्म ए ओ पी लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो कहता है
अगर फर्म कंट्रोल मैनेजमेंट वही सेम एचएफ वाली, अब ये फर्म एओपी एलएलपी ये तो भाई उस पर हो ही नहीं सकती आर ओ एन आर, तो इस पर तो मुझे सिर्फ इसी का वो चेक करना है। फॉर्म एओपी लो एलए मतलब लोकल अथॉरिटी, एजीपी मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली और पार्सली इन इंडिया तो रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। कंपनी के केस में कंपनी शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट इज इंडियन कंपनी। पोएम, पोएम का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हमें ये देखना है कि उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव का मतलब जहाँ उसकी मैनेजमेंट बैठती है, जहाँ उसके डिसीजंस लिए जाते हैं उस कंपनी से रिलेटेड, तो वो चेक करना। अगर पोएम उसका इंडिया में है तो रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। और इंडियन कंपनी है तो है ही फिर रेजिडेंट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडियन कंपनी मतलब सर जो रेजिडेंट, जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 में और 2013 में। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, वो तो हमेशा रेजिडेंट रहेगी इवन इफ पोएम इज इंडिया और नॉट। पोएम उसका मैटर नहीं करता इंडियन कंपनी का, उसके अलावा कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी उसका पोएम चेक करो ना यार, उसका पोएम कहाँ पे आता है। दस क्राइटेरिया फॉर पोएम इज ओनली फॉर फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई थी। फॉरेन कंपनी मतलब विच आर नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी, विच कंपनीज आर नॉट डोमेस्टिक कंपनी आर फॉरेन कंपनीज। पोएम मतलब ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट पर्सोनल, के एम पी जिसको बोलते हैं की मैनेजमेंट पर्सोनल, के एम पी सी ई ओ सी एफ ओज वगैरह बैठते हैं। एंड कमर्शियल डिसीजंस, सेल परचेज क्या होगी, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे सेल इंक्रीज की जाए, कैसे खर्चे डाउन किए जाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनी, कहाँ बनी। कमर्शियल डिसीजन नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एंटिटी एज ए होल आर सब्सटेंशियली मेड, ये डिसीजंस कहाँ पे लिए जाते हैं वो हम पोएम चेक करेंगे। अगर वो इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी को भी हम क्या मान लेंगे भैया, रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सी एम एम रेफर्स टू सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नॉट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस मे बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड येट टू बी सी एंड एम मे बी विद इन इंडिया। सी एंड एम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड ए प्लेस वेयर हेड एंड ब्रेन इज सिचुएटेड, मतलब जो मेन डिसीजंस लिए जाते हैं बेसिकली। प्लेस ऑफ कंट्रोल में भी डिफरेंट, अनयूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, मान लीजिए हो सकता है कईयों का, जैसे अभी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो बिजनेस रन कराती है ऑल ओवर इंडिया, मुंबई में, लेकिन उनके हेड ऑफिस रजिस्टर्ड होते, तो उसी के लिए बोल रहा प्लेस ऑफ कंट्रोल चेक करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस हेड ऑफिस वो वहाँ पे होंगे यार मुंबई में। दिस इज बिकॉज सी एन एम नीड नॉट टू बी नेसेसरी डन फॉर द प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड ऑफिस। ये मैंने आपको समझा दिया एच एफ। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात अगर मैं करूं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम मतलब सेक्शन 5, ठीक है। एक बार मोटा मोटी मैं आपको जो मैंने आज पढ़ाया है ये मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, एक अदर बुक से, एक अदर डायग्राम के हिसाब से। इसमें थोड़े डायग्राम थोड़े से सुंदर बने हुए हैं, हो सकता है आपको क्लियरिटी ज़्यादा आ जाए कि हम आज क्या कर रहे हैं भैया। आज हम ये कर रहे हैं कि रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करूँगा सेक्शन 6 में और स्कोप ऑफ टोटल इनकम चेक करूँगा सेक्शन 5 में। रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल एचयूएफ का मैंने बताया, इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी, डीम रेजिडेंट हम आपको पढ़ाएंगे अभी, वो हमें आप कंडीशन आपकी अभी नहीं पढ़ाई। रेजिडेंट में कौन सा आर ओ आर और आर एन ओ आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलिए दूसरा क्या था, स्कोप ऑफ फर्म के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ का मैंने आपको पढ़ाई दिया है, और दूसरा क्या था फर्म एलएलपी एओपी बीओ, या तो वो रेजिडेंट होंगी या नॉन रेजिडेंट होंगी। इंडिविजुअल और एचयूएफ ही मेरे ROR और RNOR हो सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम की फ़ोटो ले लीजिए एक बार, जो जो बच्चे हमारे क्लास में देख रहे हैं लैपटॉप पे, और नहीं तो हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको आराम से। स्कोप ऑफ टोटल इनकम वो हम आपका डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज ये रेजिडेंट वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी था, ये वाला पोर्शन।
और ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट के लिए आप फोटो ले लीजिएगा ये सारी चीज़ें। हाँ जी, आप फोटो ले लो, क्योंकि ना क्या होता है कि हमारे माइंड को भी पता होना चाहिए कि हम चल कहाँ रहे हैं। अब मुझे तो पता है कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, लेकिन आपको ओवरऑल पिक्चर एरियल व्यू देना बहुत ज़रूरी ना। आप कभी जहाज में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? अब तो मोदी जी भी कहते हैं सबको जहाज में बिठा देंगे, चप्पल वालों को भी। तो जब ऊपर से एरियल व्यू लेते हो तो बहुत सुंदर दिखता है, नीचे का व्यू बहुत सुंदर दिखता है, छोटे छोटे मकान, समुंदर एकदम छोटा सा दिखने लगता है, अच्छा ये समुंदर है, खेत छोटे छोटे दिखते हैं, पहाड़ छोटे छोटे दिखते हैं, तो आपको पता रहता है अच्छा ये नदी यहाँ से होती हुई इस शहर से यहाँ से ये जाती रहती है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही अब पता होगा कि यार ये मैंने पूरा आपको एरियल व्यू दे दिया इसका। यार मैं चल कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, किस लिए था, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको बताया सेक्शन 6 में ये था कि इंडिविजुअल HUF का, AOP फॉर्म BOI का। इसका भी एक फ़ोटो ले लीजिए, निकाल लीजिए, फ़ोटो निकालते रहिए। आज ग्राफ बहुत सुंदर बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। इंडिविजुअल HUF, रेजिडेंट क्या हो सकता है, ROR और RNOR या फिर नॉन रेजिडेंट, इंडिविजुअल और HUF। फॉर्म AOP BOI अथॉरिटी कंपनी एक्सेट्रा, या तो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे, ठीक है जी। हो गया जी फोटो सबका, हाँ जी। चलिए रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ये मैंने आपको बता ही दिया, सारा का सारा वही कंडीशन है, 60 डेज, 365 डेज, 4 ईयर, 182 डेज वाली कंडीशन, स्टे इन इंडिया। ये जो कंडीशन है ये अभी आपको पढ़ानी बाकी, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। पंद्रह लाख वाली, मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन, जो कि इंडियन सिटीजन है, ठीक है जी। मेंबर ऑफ ए क्रू सिंगापुर बाउंड शिप एंगेज, ये वैसा ही कुछ एग्जांपल, कैरीज ए पैसेंजर इंटरनेशनल टैरिफ डिपार्चर फ्रॉम चेन्नई पोर्ट 6 जून को, फॉलोइंग डिटेल कर, वो इंडियन सिटीजन है, वो जॉब के लिए जा रहा है, तो वही ये कंडीशन फुलफिल करनी है 182 डेज वाली। वही कह रहा है कि स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर, एंगेज इन शिपिंग बिजनेस में, मैनेज रेफरल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट वाला हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि वह थोड़ा सा स्कोप ऑफ इनकम उसके लिए पहले देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि एक्सेडिंग 15 लाख वाली क्या कंडीशन। इलस्ट्रेशन 2 देख लेते हैं। ब्रैटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, दिस हैज बिन प्रैक्टिस फॉर पास्ट 10 फाइनेंशियल। इंडिया में आके प्रैक्टिस करता है भाई, इंडिया के मैदान पे आके प्रैक्टिस करता है, बताओ कंगारू लोग हमारे देश में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहता 100 दिन आता है हर फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 10 साल से आ रहा है। फाइंड आउट इज रेजिडेंशियल स्टेटस, चलिए जी देखते हैं। 21-22 में 100 दिन, पिछले 4 साल में 400 दिन, 60 साल वाली कंडीशन, 182 डेज वाली तो हो ही नहीं बंदे से, क्यों, क्योंकि जी रहता ही 100 दिन था। चलो 182 डेज वाली नहीं, 60 दिन वाली तो कर दो। क्या आप 60 दिन रहे? कह रहे जी रहा, 100 दिन रहा। कहता उसके साथ एंड लगा हुआ है, दूसरी कंडीशन भी देखनी है आपको। दूसरी कंडीशन में 400, लेकिन वहाँ कितना लिखा हुआ था जी, 360। बाप रे बाप, ये तो कर गया कंडीशन, कर गया तो भाई कोई बात नहीं। सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। अब हमने इसकी बेसिक कंडीशन चेक कर ली, कोई दो में से एक, बेसिक कंडीशन क्या थी जी, 182 डेज वाली और 60 दिन वाली। अब बेसिक कंडीशन चेक हो गया, मुझे चेक करना है ROR है कि RNOR है, ये चेक करना है। चलिए क्या बोला था वहां पे, पिछले 7 साल में चेक करो जी, 700
कितना रुकना चाहिए था? पढ़ाया था मैंने आपको 730 दिन वाला, आर ओ आर हुआ कि एन ओ आर हुआ? 730 दिन, लेकिन रहा तो 700 ही दिन ना भाई, तो क्या हो गया? हाँ जी, कोई एक कंडीशन सिंस स्टे ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इंडिया ड्यूरिंग द पास्ट 7 ईयर इज लेस देन 730 डेज ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. 22-23 में तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट था ही नहीं, तो क्या हो गया? रेजिडेंट तो है बट नॉट रेजिडेंट, रेजिडेंट आर ओ एन. ठीक है, ये प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा दिया. वो कहता है वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू मिस्टर श्रीनाथ एन इंडियन सिटीजन हु रिजाइड इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम. वो कहता है अगर यही बंदा ऑस्ट्रेलिया में गया और सारी चीज़ें सेम रख दूँ तो सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करनी है इसको, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है, रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया कम्स टू विजिट टू इंडिया ही वुड टू ट्रीट नॉन रेजिडेंट इंडिया रिस्पेक्टिव टोटल इनकम लेस देन 120 डेज. ही तो रुका 100 दिन ही तो रुक रहा था वो. अच्छा ठीक है जी, ये 120 वाला ना अभी पढ़ाया नहीं हमने, इसको अभी छोड़ दीजिए, इस वाले एग्जांपल को बस पहले पहले वाला कर लीजिए. ये मैंने अभी आपको पढ़ाना है 120 डेज वाला, जो डीम्ड वाला मैंने आपको बताया ना वो अभी हमने आपको पढ़ाना बाकी हुई. मिस्टर बी ए कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 1718. ये वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, करवाई दी ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचएफ का रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट, ये तीनों चारों चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई हैं कि क्या है और क्या नहीं है. ये देखिए बहुत सुंदर डायग्राम है, अभी बस इस जो पीपीटी है हमारे इंस्टीट्यूट की, डायग्राम बहुत सुंदर बना है. सर आप क्यों नहीं बना देते ऐसे डायग्राम? इनको जब तक आपके पास ये नोट्स पहुँचेंगे ऐसे शानदार डायग्राम बुक्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको यार, अभी क्या सिखाया था? इंडिविजुअल का बताया होगा, थोड़ा कनेक्ट रहा करो यार. ये क्या बताया था आपको? इंडिविजुअल का यहाँ समझाया था आपको और अब किसका समझाएंगे आपको? अब HUF का समझाएंगे. इज द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली और पार्सली. थोड़ा सा नन्नू सा भी अगर आ गया, थोड़ा सा भी, यस पहले नो, अगर नहीं है जी, नहीं है तो सीधा नॉन रेजिडेंट या एन आर. अगर है, क्योंकि ये है एच यू एफ, एच यू एफ आर ओ आर भी हो सकती है और आर एन ओ आर भी हो सकती, तो हमें फिर जाना पड़ेगा इसके अंदर. क्या करता मेरा 2 साल पिछले 10 सालों में से रेजिडेंट है एंड प्लस 730 दिन 7 साल में रहा है? अगर यस तो आर ओ आर और नो तो फिर भाई आर ओ एन. हाँ जी बिल्कुल. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी का ये मैंने बताया था. ये लीजिए इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा एक फोटो खींच लीजिए, ये लीजिए इसका यहाँ से खींचिए. हाँ जी, रेजिडेंशियल ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी मतलब इंडियन कंपनी और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. देखिए इज द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, यस इंडियन कंपनी तो ऑलवेज रेजिडेंट ना यार, ऑलवेज रेजिडेंट. अगर वो इंडियन कंपनी है मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड होगी, कौन से एक्ट में? 2013 में या 1956 में? नो, वो इंडियन कंपनी नहीं है. ठीक है जी, चेक करो उसको, चेक करो. क्या चेक करो? पोयम मतलब पी मतलब प्लेस, ओ मतलब ऑफ, ई मतलब इफेक्टिव, एम मतलब मैनेजमेंट. वेदर पोयम ऑफ कंपनी इज इन इंडिया, यस. ठीक है रेजिडेंट नहीं है तो सीधा फिर
नॉन रेजिडेंट का। ये राज्य आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आज की क्लास में सिर्फ हमने आपको क्या पढ़ाया, रेजिडेंशियल स्टेटस। कैसा आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, फीडबैक देते रहिए। अगर कोई भी डाउट है, तो मैं नंबर शेयर कर देता हूं आपको, 8368587373। आप इस नंबर पे कॉल करके डाउट पूछ लीजिए। अगर ये नंबर नहीं उठता है या कोई और दिक्कत है तो आप जो केजे क्लासेस के और नंबर हैं आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप फीडबैक ज़रूर देते रहिए, और मैंने आपको कहा था रिवाइज ज़रूर करते रहिए इन क्लासेस को, ताकि आपको पूरा बेनिफिट इन क्लासेस का मिलता रहे। हमने आज आपको पढ़ाया रेजिडेंशियल स्टेटस, कौन सा सेक्शन नंबर कितना था जी, 6 ओनली 6 5। जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, सेक्शन पाँच हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम था। आज का सेक्शन नंबर 6 रेजिडेंशियल स्टेटस, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो मैंने आपको नंबर दे दिया, आप उस पर कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में तैयारी करके आइएगा सेक्शन 5। ठीक है जी, आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।